जिले में एक सरकारी स्कूल 14 साल से बगैर भवन के चल रहा है। कभी झोपड़ी में तो कभी खुले आसमान के नीचे पढ़ाई होती है। स्कूल भवन के लिए दान में जमीन भी मिल चुकी है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। इस रिपोर्ट में देखें। कभी झोपड़ी में होती है पढ़ाई, कभी खुले आसमान के नीचे क्लास। बापू की कर्मभूमि में स्कूल बेहाल। इस स्कूल की हालत देखकर आप चौंक जाएंगे। कभी इसकी पढ़ाई 20 फीट की इस झोपड़ी में होती थी, जिसमें अंधेरा छाया रहता था, तो कभी खुले आसमान के नीचे क्लास लगती है। बापू की कर्मभूमि पश्चिम चंपारण जिले की ये तस्वीरें हैं। चनपटिया प्रखंड का ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनवा टोला है। 14 साल में भी इस स्कूल का भवन नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि स्कूल के लिए जमीन नहीं है। स्कूल के शिक्षक बता रहे हैं कि दान में जमीन मिल चुकी है, पर उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। सीओ के पास भी कई बार गए हैं, मतलब चनपटिया चाहे डीएम के पास भी गए हैं, तो जाते हैं सारे फॉर्मेट जितना है जमीन का सब ले जाते हैं, लेकिन जाकर के ऑफिस में भी रह जाती है। और सरकारी अधिकारी लोग का उदासीनता के कारण आज तक यहाँ भवन नहीं बन पाया है, जिसके कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती। ये विद्यालय 2007 से यहाँ चल रहा है, लेकिन आज भी भवनहीन है। इसका मुख्य कारण है कि जे अभी तक राज्यपाल के नाम से जमीन रजिस्ट्री हुआ नहीं है, और जमींदाता जो है जमीन रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हैं, पर जो भूमि से जुड़े कर्मचारी लोग हैं वो बार बार क्या कर रहे हैं कि कुछ दान दक्षिणा के वजह से इसे बार बार नेगलेक्ट कर रहे हैं, बार बार छांट रहे हैं। स्कूल के लिए जमीन दान करने वाले ग्रामीणों को सुनिए, जो आज भी रजिस्ट्री के इंतजार में है। आज भी लिखे के जमीन तैयार बने? हमें अभी भी तैयार बने, जो भी लोग चाहे तो अभी हम लिखे के तैयार बने। ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस वाले लोग क्या कहेंगे? ऑफिस में तो कागज पत्र लेके जाए तो कह लो कि वहाँ जाइए, ऐसा ही कहकर लोग दौड़ा रहे हैं 10 साल। कितना दिनों से ऑफिस के चक्कर काटा था? अरे 10 साल से हो। शिक्षा के नाम पर सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन इस स्कूल की जमीन हालात बता रही है बदलाव अभी कोसों दूर है। बेतिया से इमरान अजीज की रिपोर्ट, जी मीडिया।